दिन रात हम बिना संकल्प के स्वार्थ की प्रवृत्ति के लिए किसी संकल्प की आवश्यकता नहीं होती। दिन रात स्वप्न में भी हम स्वार्थ की प्रवृत्ति करते रहते हैं, लेकिन परमार्थ तब होता है कि जब कोई ऐसे महापुरुष स्वयं संकल्प लेता है तब क्षेत्र में एक परमार्थ का कार्य संपन्न होता है। मां नर्मदा जी के तट पर प्रत्यक्ष रूप में जितने भी संत महात्मा हो, लेकिन जैसा कि हमने अपने गुरु महाराज के द्वारा सुना है कि मां नर्मदा जी के तट पर कमंडल से कमंडल टकराते हैं, ऐसे अनगिनत विभूतियों का निरंतर भ्रमण रहता है, निरंतर विचरण रहता है। कमंडल से कमंडल टकराता है, ऐसा हमारे गुरु महाराज कहते थे, कमंडल से कमंडल टकरा है। इस प्रकार मां रेवा के तट पर जैसा की प्रवाह मैया जी का है, एक वैसा ही प्रवाह अंतरिक्ष में यहाँ महापुरुषों का होता रहता है, विभूतियों का होता रहता है। जैसा हम लोग समझते हैं परिक्रमा करने वाले का सबका ही अनुभव होता है, मैया ने भोजन करा दिया, मैया की कृपा हो गई, मैया का कुछ अनुभव हुआ, मैया ने कुछ चमत्कार दिखाया। लेकिन हम लोग नर्मदा जी स्वयं परब्रह्म का एक प्रवाह स्वरूप है, स्वयं परमात्मा प्रवाह रूप में बह रहा है, और जब परब्रह्म का प्रवाह स्वरूप है हम सोच भी नहीं सकते कि हम इतनी आसानी से कोई चमत्कार देख ले, इतनी आसानी से हमें कोई अनुभव हो जाए। अब निष्ठा है तो प्रत्यक्ष है, लेकिन हम लोग जिस चमत्कार की बात करते हैं, जिस अनुभूतियों की बात करते हैं, नर्मदा जी के तट पर रह करके परिक्रमा लगाते हुए जो अनुभूतियों की हम बात करते हैं, ये चमत्कार हमें परिक्रमा कर ले और हमें इतने सारे चमत्कार देख ले और मैया हमको इतना कुछ दिखा दे, शायद इतनी योग्यता नहीं होती हम लोगों की। लेकिन हम जो कुछ अनुभूतियां लेते हैं, ये अनुभूतियां जो नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, उस परिक्रमा वासियों पर यहाँ के अंतरिक्ष में रहने वाले संतों की कृपा हो जाती है और वो संत हमको ये सब दे देते, वो संत ही हमें बहुत कुछ अनुभव करा देते। और इससे उस अनुभव से हमारे फिर मां नर्मदा जी के प्रति हमारी आस्था बढ़ जाती है, हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाता है, हमारी सारी थकाने मिट जाती है। और ऐसे परिसर में अब उज मिथिला बिहारी दास जी महाराज जी ने हमको बुलाया और आयोजन किया भागवत के लिए, तो जरूर हम 8 दिन यहाँ पर प्रभु की चर्चा करेंगे। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि इस परिसर में केवल 7-8 दिन निवास करना ही एक अनुष्ठान है, यहाँ तो बैठना भी अनुष्ठान है हमारे लिए। सबकी आस्था है मैया के तट पर, लेकिन हम लोगों की कुछ विशेष ही आस्था इसलिए बनी रहती है कि हम अग्नि अखाड़े से हैं, जमदग्नि पहाड़ से निकली है मां नर्मदा जी, और इसलिए जब भी अवसर मिलता है, जब भी कोई संत या कोई संस्थान हमारे पास आते हैं, और जब ये बात आती है कि मां नर्मदा जी के तट पर कथा करनी है, हमने जिंदगी में कभी मना नहीं किया, क्योंकि हमारा अपना स्वार्थ है।
ये हमारे अपने कल्याण की बात है, स्वार्थ मतलब अपने अपने एक विशेष लाभ की बात है। वर्ष भर 20, 22, 23 कथाएं करनी ही होती है, लेकिन जब जब मौका मैया की गोद में बैठकर कथा करने का होता है, ये हमारे लिए अपने आप में एक विशेष अवसर होता है। श्रीमद् भागवत जिसके द्वारा हमें जो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और विवेक, इसकी उपलब्धि होती है। हो सकता है कि बिना भागवत सुने भी ज्ञान हो जाए, बिना भागवत सुने वैराग्य आ जाए, बिना भागवत सुने भी भक्ति आ जाए जीवन में, और बिना भागवत सुने भी जीवन में विवेक प्राप्त हो जाए। लेकिन ये चारों चीजें जब श्रीमद् भागवत के प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त होती हैं, तो वास्तविक भक्ति, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक वैराग्य और वास्तविक विवेक हमें प्राप्त हो जाता है। बिना सत्संग के भी वैराग्य आ जाता है, कभी कभी दुर्घटना होती तो वैराग्य आ जाता है, घर में किसी की मृत्यु होती है तो वैराग्य आ जाता है, अपने काम धंधे में कोई बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, नुकसान धोखा हो जाता है तो वैराग आ जाता है, संसार में कोई धोखा देते इससे भी वैराग आ जाता है, लेकिन किसी की मृत्यु पर आया वैराग, उसी घर में जब किसी का जन्म होता है, इसकी खुशी में धीरे 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 वो वैराग समाप्त हो जाता है, वो टिकाऊ नहीं है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ, किसी ने आपको धोखा दे दिया और वैराग आ गया कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, लेकिन उसी व्यक्ति को लाखों के नुकसान से, धोखे से वैराग आया था, उसी व्यक्ति को अब करोड़ों का फिर फायदा हो जाए तो धीरे धीरे वैराग चला जाता है, क्योंकि घाटे से आया वैराग फिर मुनाफे में चला जाएगा, किसी के मृत्यु से आया वैराग किसी के जन्म की खुशी में नष्ट हो जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत के द्वारा प्राप्त वैराग ये शुद्ध वैराग होता है, दुनिया की कोई घटना उस वैराग को भ्रमित नहीं कर सकती, उस वैराग को नष्ट नहीं कर सकती। अन्यथा भागवत में ही कथा है कि वैराग बेहोश हो गया, ज्ञान बेहोश हो गया, लेकिन वो ज्ञान कभी बेहोश नहीं होता जो ज्ञान श्रीमद् भागवत के प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अगर सत्संग के प्रसाद में ज्ञान हुआ तो इसीलिए वो ज्ञान टिकाऊ रहेगा कि उसमें अहंकार की संभावना नहीं है। ज्ञान में खतरा क्या है? अहंकार ही खतरा है। वैराग में खतरा क्या है? विलासिता, वैराग में खतरा है। कोई वैरागवान व्यक्ति को कोई वैभवी माहौल मिल जाए तो फिर वैराग भ्रमित हो जाता है, लेकिन जिसका ज्ञान श्रीमद् भागवत के सत्संग के प्रसाद के रूप में हुआ हो, जिसका ज्ञान गुरु प्रसाद के रूप में प्राप्त हो, उस ज्ञान में अहंकार की उठने की कोई गुंजाइश नहीं। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, तुलसीदास जी लिखते हैं, देखऊ ब्रह्म रूप जग माही, देखऊ ब्रह्म रूप जग माही, ज्ञान मान
श्रीमद् भागवत जिसको ज्ञान देता है, सत्संग ज्ञान देता है, गुरुदेव की सेवा करते करते जो ज्ञान होता है, गुरुवाणी को सुनते सुनते जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का परिणाम है देखें ब्रह्म रूप जगमा है। सब में ब्रह्म दिखे, कैसे अभिमान करोगे और किस चीज का करोगे? देखो, धन का अभिमान करने के लिए कोई गरीब तो दिखना चाहिए ना। बल का अहंकार करना है तो कोई कमजोर तो दिखना चाहिए ना। बुद्धि का अहंकार करना है तो कोई मूर्ख तो दिखना चाहिए ना। विद्वता का अहंकार करना है तो कोई अनपढ़ तो दिखना चाहिए ना। लेकिन भागवत जिसको ज्ञान दृष्टि देता है उसको ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है। वो कहां अहंकार करे और किस चीज का करे? देखें ब्रह्म रूप जगमा है। वो किसी भी प्राणी को अकेला नहीं देखता, वो प्रत्येक प्राणी को ब्रह्म सहित देखता है। और जब प्रत्येक प्राणी को ब्रह्म सहित देखो तो अहंकार को मौका ही नहीं मिलेगा। वो बेचारा कोशिश करते करते मर जाएगा, अहंकार ही मर जाएगा कोशिश करते करते, मौका ही नहीं मिलेगा उठने का।